Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. पश्चिम बंगाल के नतीजों के बाद बीजेपी की नींद उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के नतीजों ने उड़ा दी है। इन चुनाव में बीजेपी को सियासी तौर पर झटका लगा है। अयोध्या से लेकर मथुरा और काशी सहित प्रदेश भर में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को करारी मात दी है। यूपी के ये तीन जिला योगी आदित्यनाथ सरकार के एजेंडे में शामिल रहे हैं और पिछले 4 सालों में इन जिलों पर सरकार काफ़ी मेहरबान रही है। इसके बावजूद भी अयोध्या, मथुरा, काशी में मिली करारी मात एक बड़ा सियासी संदेश दे रही है। रामनगरी अयोध्या में बीजेपी बुरी तरह हारी। राम की नगरी अयोध्या में बीजेपी को करारी का हार का सामना करना पड़ा है। अयोध्या जनपद में कुल जिला पंचायत सदस्य की सीटें 40 है, जिनमें से 24 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने परचम लहराया है। यहाँ बीजेपी को महज 6 सीटें मिली है। इसके अलावा 12 सीटों पर निर्दलीयों ने जीत दर्ज की है। बीजेपी को यहाँ अपने बागियों के चलते करारी मात खानी पड़ी, क्योंकि 13 सीटों पर पार्टी के नेताओं को टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे थे। हालांकि अयोध्या की सियासत को लेकर बीजेपी कुछ भी दावा करती रही हो, लेकिन समाजवादी पार्टी का यहाँ अपना बड़ा जनाधार है। इसके बावजूद बीजेपी का अयोध्या में ऐसे समय हारना, जहाँ मंदिर का निर्माण हो रहा है और बीजेपी उसका क्रेडिट लेती है, कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। पीएम मोदी काशी में समाजवादी पार्टी जीती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी भाजपा की हालत चिंताजनक है। एमएलसी चुनाव के बाद भाजपा को जिला पंचायत चुनाव में भी काशी में करारी मात मिली है। जिला पंचायत की 40 सीटों में से बीजेपी के खाते में महज 8 सीटें आई है। वहीं समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर 14 सीटों पर अपना दबदबा बनाया है। बसपा की बात करें तो उसने यहाँ 5 सीटों पर जीत हासिल की है। हालांकि बनारस में अपना दल एस को 3 सीटें मिली है। आम आदमी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को भी 1 सीट मिली है। इसके अलावा 3 निर्दलीय प्रत्याशी को भी जीत मिली है। 2015 में काशी में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन योगी सरकार के बनने के बाद बीजेपी ने जिला पंचायत की कुर्सी समाजवादी पार्टी से छीन ली थी। कृष्ण नगरी में बसपा का परचम। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा जिले की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। मथुरा में बहुजन समाज पार्टी ने बाजी मारी है। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के 12 उम्मीदवारों ने जीत का परचम फहराया है। बसपा के बाद आरएलडी ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं बीजेपी 8 सीटों पर सिमट कर आ गई है। समाजवादी पार्टी को 1 सीट से काम चलाना पड़ा है। 3 निर्दलीय प्रत्याशी विजयी हुए। मथुरा में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। खुद कांग्रेस जिलाध्यक्ष चुनाव हार गए। माना जा रहा है कि मथुरा बीजेपी की हार किसानों की नाराजगी के चलते हुई है। पंचायत चुनाव 2022 का लिटमस टेस्ट। बता दें कि बीजेपी के स्थापना के दौर से ही अयोध्या, मथुरा, काशी एजेंडे में शामिल रहा है। बीजेपी इन जिलों के नाम पर अपनी सियासत यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में करती है। ऐसे में बीजेपी का इन 3 जिलों में करारी हार होना बड़ा झटका है। वहीं पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में लगातार समाजवादी पार्टी बीजेपी को मात देती जा रही है। मथुरा में बसपा का नंबर 1 पर आना यह बता रहा है कि मायावती का सियासी असर अभी खत्म नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक 8 महीने पहले पंचायत चुनाव को 2022 का सेमीफाइनल माना जा रहा था। यह चुनाव सत्ताधारी बीजेपी के साथ साथ विपक्षी समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस के लिए भी अहम है। गांव की सरकार के लिए हो रहे चुनाव में पार्टियों का असली ताकत जिला पंचायत से तय होती है। जिला पंचायत चुनाव के अब तक के नतीजों में समाजवादी पार्टी एक बड़ी ताकत बनकर उभरी है और अयोध्या, मथुरा, काशी में बीजेपी की करारी हार योगी सरकार की नींद उड़ा दी है। वहीं दूसरी राज्य की राजनीति में यह सवाल भी उछाल दिया गया है कि सूबे में लगभग अजय नजर आ रही है भाजपा के मुकाबले। क्या समाजवादी पार्टी अपनी राजनीति की गति अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव तक बरकरार रख पाएगी? न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.